अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डेयरी फार्म का पार्ट वन में तो आपने काफ़ी कुछ देखा होगा। पार्ट टू में यहाँ से मैं आज फ्रेश मिल्क लेने आई थी, तो 24 आवर्स आपको फ्रेश मिल्क यहाँ से मिल सकता है। और यहाँ पर हिमबेरी ब्लूबेरी प्राइस ऊपर लिखी हुई है, आप लें और कासे में पैसे डालें और इसको ले जाएं। और यहाँ पे ये 3 लीटर का मिल्क है, इसकी भी ऊपर उन्होंने प्राइस लगाई है। तो यहाँ पे हम लेने आए थे फ्रेश मिल्क, और मेरा बेटा वाश कर रहा था फ्लश है मतलब बोतल, ये यहाँ से ही हमने ली थी। आप लोग घर से भी लेके आ सकते हैं, ये 10 सेंट की थी। हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया मिल्क लेने का तो हमने ले लिया। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त इनका सिस्टम है। यहाँ पे आप बोतल रखें और यहाँ पे कोइन सिक्के जो भी आप कहते हैं वो डालें। यहाँ पे कैश भी चलेगा, कार्ड्स भी चलेंगे हर किस्म का। तो आप डाल के बटन को स्टार्ट कर दें और जो मिल्क है वो ऑटोमेटिक आपके बोतल में आ जाएगा। हमने फुल मिल्क मतलब एक बोतल ली थी 1.5 लीटर की, ये हमने फुल की थी, इसका तकरीबन 1.5 फ्रांक बना था। ठीक है, यहाँ पे हमने मिल्क ले लिया और ये फ्रेश मिल्क आता किस तरह है ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे गायों को वो जो फ्रेश चारा जो है ना डाल रहा है मेरा बेटा। और ये हमारे साथ गेस्ट एक थी या आई थी, तो ये भी हमारे साथ ही सब गई थी। बच्चे आते हैं खेलते हैं, यहाँ पे किंडरगार्टन के बच्चे लेके आते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होती है, इसलिए बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं यहाँ पे। जो चीज़ें पकड़ता था जहाँ से वहाँ पे वापस रख के रख भी देता था। उसका बहुत दिल कर रहा था काम करने को, तो मैंने कहा चलो कर लो आप, हम वीडियो बना देते हैं। इसने जहाँ से ली थी ये वहाँ पे वापस रखेगा। डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत तरीके से बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से बच्चे को सिखा देते हैं स्कूल से। यहाँ पे जो ये काम करता था ये आया था इसको फ्रेश घास डालने, इन पहले ये बच्चों को डाल के आया तो अब ये यहाँ इधर आया था यहाँ पे डालने घास। और फैमिली भी आई थी देखने के लिए, क्योंकि विजिट लोग करते रहते हैं, फ्रेश चीज़ें यहाँ से मिलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है तो वो लेने आते हैं।
ये गाय के नए बच्चे थे छोटे छोटे, तो इनका भी हमने साथ क्लिप बना लिया। देखिए कितने आराम से पुरसकून होके बैठे हुए हैं। ये इनका स्पेशल कमरा है जहाँ पे ये गाय का दूध जो निकालते हैं। ऊपर पंखे लगे हुए हैं, ये जो आपको सामने दरवाज़ा निकल नज़र आ रहा है, यहाँ से गाय अंदर एंटर होती है और ये लाइन में लग जाती है। और ये एक ही आदमी है, और यहाँ पे 6 मशीनें लगी हैं तकरीबन। ये आदमी जो है ये यहाँ पे इनको लगा देता है पाइप, और ये जो दूध है ये डायरेक्ट वहाँ से जहाँ से मैं दूध लेके आई हूँ वहाँ जाता है। आपको मैं आगे सिस्टम दिखाती हूँ किस तरह ये पाइप के थ्रू उस मशीन के अंदर एंटर होता है। पहले इसके आगे ये चारा डाल देते हैं, ये साथ साथ चारा खाती है, और इसका ये सिस्टम है जिससे वो ये डायरेक्ट वहाँ दूध जाता है, और दूसरे दरवाजे से गाय निकल दी जाती है और इस दरवाजे से गाय एंटर होती जाती है। आप देख सकते हैं वो लाइन में लगी है। कितना इनको तरीका है यार, इनको शुरू से उन्होंने सिखाया होता है। वो देखें, वो अंदर चली गई, अब ये जगह ले लेगी अपनी, और दूसरी तरफ से बाहर आ गई। काफ़ी बड़ा फार्म है और बहुत ही ज़बरदस्त। साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक साइड पे जो है वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की, देसी भी हैं वलायती भी हैं, और ये इनके अंडे ये जो है ना ताज़े बेचते हैं। ये व्यू चेक करें आप, 5 बजे का टाइम था, शाम 5 बजे का, और ऐसे जैसे दोपहर लगी हुई है। कितना प्यारा व्यू है। और ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि ध्यान से इसके अंदर थोड़ी सी करंट है, क्योंकि ये उन्होंने स्पेशल मुर्गियों के लिए लगाई थी, ताकि अगर मुर्गी कोई इस तार को लगेगी तो उसको हल्की सी करंट लगेगी और वो पीछे हो जाएगी इनकी सेफ्टी के लिए। ये शॉप का मैंने आपको पहले विजिट करा चुकी हूँ पार्ट 1 में, ये था पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू है हमारे मेरे चैनल को, और लास्ट व्यू जरूर देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।